आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी चना चाट बना के दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही इजी है बनाना, झटपट बन जाता है। तो इसके लिए हमें पहले से चना बॉयल करके रखना होगा। नमक डाल के मैं पहले से चना बॉयल करके रखी हूँ। तो आज मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी चटपटी चना चाट मसाला। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। खीरा चाहिए, टमाटर चाहिए, नींबू चाहिए, प्याज चाहिए। खीरा, टमाटर और प्याज को हम छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिए। बॉयल्ड चना चाहिए और थोड़ा सा रोस्टेड चना भी हम इसमें ले लिए। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और कुछ मसाले भी चाहिए हमको, जो हम बाद में मिलाएंगे, आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए और उसके बाद हम चना को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा चना को फ्राई करेंगे। और चना जब हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा खाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे। और फिर मिला देंगे इसमें धनिया पाउडर। ये सबको बहुत अच्छी तरह से हम एकदम लो फ्लेम में थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे, ताकि चना में अच्छी तरह से मसाला कोट हो जाए। और इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी मिलाएंगे। और फिर नमक मिलाने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ा देर रख देंगे। ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर, प्याज और खीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और काला नमक डाल देंगे। और फिर इसमें नींबू मिला देंगे, नींबू का जूस। और सबको बहुत अच्छी तरह से उसके बाद मिला लेंगे। हमारा चना चटपटी मसाला बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं और इसको सजा देंगे। तो चलिए एक सर्विंग बॉल में निकाल देते हैं। चटपटी चना चाट मसाला बहुत ही मज़ेदार बना है। हमारे पास नाचो था, हम नाचो से इसको सजा देंगे। आपके पास है तो आप इससे सजा दीजिए, नहीं तो आपके पास पापड़ी है जो चाट में डालते हैं, वो पापड़ी आप इसमें मिला सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा रोस्टेड चना हम ले लिए थे, उसको मिला देंगे। बहुत ही अच्छा चटपटी चना चाट मसाला बन के रेडी हो गया। ऊपर से हम नींबू, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक छिड़क देंगे। तो मेरा रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।